मैं डॉक्टर अभिषेक भारोटिया जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम हिप रिप्लेसमेंट और किन पेशेंट्स को हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है और ये बीमारी किस प्रकार से होती है इस बारे में बात करें। हिप रिप्लेसमेंट उन पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है जिनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें जो हिप जॉइंट का जो बॉल होता है वो गलने लगता है, उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और इस कारण से हिप जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस होती है। यह प्रॉब्लम पोस्ट कोविड कोविड के बाद से काफ़ी बढ़ गया और काफ़ी कॉमनली ये यंग पॉपुलेशन में भी होने लगा है। हिप रिप्लेसमेंट या हिप आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों में होगा जैसे जिनको सिकल सेल का प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में खून की कमी है, या जो लोगों को बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन है उन लोगों को, या बहुत ज़्यादा जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया है जैसे कोविड के इलाज के लिए, स्किन के बीमारी के लिए या किसी और बीमारी के लिए। कई 20-30% पेशेंट्स में रीज़न भी नहीं मिलता ये किस कारणवश हुआ। उस पेशेंट्स को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बैम्बू स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, उस कारण से उनके हिप जॉइंट्स आर्थराइटिक हो जाते हैं। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो दो तरीके से होता है। अगर अर्ली स्टेज है तो MRI करना पड़ता है, अगर एडवांस स्टेज है तो एक्सरे में भी अपन यह बीमारी को पिक कर सकते हैं। या पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो इनका पेन एक कंप्लेन होता है, एक इनकी चाल में फर्क आ जाता है, और जो लोग एडवांस स्टेज में आते हैं उनके पैर की लेंथ भी कम हो जाती है और उनके पैर पूरी तरीके से सीधा भी नहीं होता और वो काफ़ी तकलीफ में होते हैं। इस सभी कोई भी रीज़न से, लाइक सिकल सेल हो, कोविड हो, कोई भी रीज़न से अगर आपको हिप में एवियन या आर्थराइटिस हुआ है तो इसके लिए जो इलाज अवेलेबल है, अगर आपने बहुत अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लिया तो आप इसमें कोर डीकम्प्रेशन, जिसमें जो हिप का बॉल होता है उसके अंदर होल्स किए जाते हैं और स्पेशल टाइप के बोन ग्राफ्ट और सब्स्टिट्यूट यूज़ करके आपके हिप जॉइंट के बॉल को बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह इलाज की आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यह करने से यह परमानेंटली ठीक होगा। अगर ठीक होता है तो 5 साल के लिए ठीक होगा, 10 साल के लिए। लेकिन जो भी पेशेंट्स जिनको स्टेज 1 स्टेज 2 एवियन है और जिनका एज कम है, उनमें डेफिनेटली अपन यह ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए, जिससे हो सकता है कि अपन उनका हिप जॉइंट सेव कर सके। मेरे लास्ट 10 साल के एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने 5 साल पहले किया था और उन्हें अभी तक हिप रिप्लेसमेंट का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको 6 महीने पहले किया था और मुझे 3 महीने बाद उनका हिप रिप्लेस करना था। तो यह ट्रीटमेंट का कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो एवियन और हिप की आर्थराइटिस का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो हिप रिप्लेसमेंट ही है। हिप रिप्लेसमेंट एक सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। इसका एडवांटेज है कि आपका पेन परमानेंटली चले जाएगा, पेशेंट अगले दिन से अपने पैर पे चलना शुरू कर देते हैं पूरा वजन देके। कुछ समय के लिए डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 10 दिन, किसी पेशेंट्स में 1 महीना आपको वॉकर का उपयोग करना पड़ सकता है। लेकिन जो यंग पेशेंट्स हैं जिनका बोन का स्ट्रेंथ अच्छा है वो लोग 24 आवर्स के अंदर बोन रिपेयरिंग कर सकते हैं। तब बहुत एक कॉमन सवाल होता है पेशेंट जब डॉक्टर को मिलता है, मुझे या किसी भी डॉक्टर को, कि सर अगर मैं ये ऑपरेशन करा रहा हूँ तो ये कितने साल काम करेगा। तो मोटा मोटा ये ऑपरेशन 25 से 30 साल पेशेंट्स को किसी भी प्रकार का ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम नहीं होता और 95% पेशेंट्स में 25 से 30 साल ये ऑपरेशन चलता है, किसी में ज़्यादा भी चल सकता है, 40 साल 45 साल। कुछ एक दो परसेंट पेशेंट्स होते हैं जिनमें हड्डी कमजोर होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से आपको 5, 10, 15 साल के पीरियड में भी ऑपरेशन दोबारा करना पड़ सकता है। यह ऑपरेशन बहुत ही सेफ है और बहुत रूटीनली हर हॉस्पिटल में किया जाता है और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। दूसरा, पेशेंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर यह ऑपरेशन में जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं उसको, वो कौन सा इम्प्लांट होता है, किस प्रकार से। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है पेशेंट को कि कहीं पर भी आप सर्जरी कराएं, हिप रिप्लेसमेंट गोंदिया में कराएं, नागपुर में कराएं, किसी बड़े शहर में कराएं, आपको जो भी इम्प्लांट यूज करना है दैट शुड बी ऑफ अ इम्पोर्टेड कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो मोस्ट कॉमन कंपनीज है उसमें जॉनसन एंड जॉनसन है, जिमर बायोमेट है, स्मिथ एंड नेफ्यू है, स्ट्राइकर है। अगर ये 4-5 कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो दे आर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट आपको लगभग 25-30 साल का लाइफ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हर कंपनी में भी जो इम्पोर्टेड कंपनीज है उसमें अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स आते हैं। जैसे कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो सीमेंट से फिक्स होते हैं, कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो बिगर सीमेंट के फिक्स होते हैं,
तो अगर अपन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपन ने वही इम्प्लांट यूज करना चाहिए जिसको यूज करने के लिए सीमेंट का उपयोग ना करना। लेकिन एल्डरली जो पॉपुलेशन होती है जिनकी बोन्स बहुत कमजोर है उसमें अपने को सीमेंटेड इम्प्लांट यूज करना। दूसरा होता है कि जो हिप ज्वाइंट में अपन जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसमें अपन इस तरीके से एक सॉकेट को रिप्लेस करते हैं और एक बॉल को रिप्लेस करते हैं। तो ये जो बॉल होता है ये बॉल भी तरीके तरीके के मटेरियल का आता है। जो मोस्ट दो कॉमन मटेरियल अपन यूज करते हैं एक होता है मेटल और एक सिरेमिक। तो दोनों का भी लाइफ अच्छा है लेकिन सिरेमिक इज अ बेटर इम्प्लांट फॉर पेशेंट्स जिनका एज कम है। तो अगर आपका एज 40-45 साल से कम है और एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं तो अगर बजट इश्यूज नहीं है तो एक रिकमेंडेशन रहता है कि आप सिरेमिक का इम्प्लांट यूज करें। वो आपको बेटर रिजल्ट देगा और हो सकता है उसका लॉन्जिविटी एक मेटल के इम्प्लांट से ज़्यादा होगा फ्यूचर। अब ये ऑपरेशन के बाद रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगे जिंदगी में? रिस्ट्रिक्शंस ये रहेंगे कि आप आलती पालती मार के बैठ नहीं सकते। लेकिन जैसे टेक्निक इम्प्रूव हो रहा है सर्जरी का, कुछ स्पेशल इम्प्लांट्स आए जिसमें आपको कई सर्जन या कई सेंटर रिकमेंड करेंगे कि आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे कोई प्रॉब्लम होता है, आप 100 बार करते हैं जॉइंट डिसलोकेट होता है, तो वो तकलीफ आपको झेलना है। तो अनलेस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड और इट इज़ नॉट एसेंशियल अपन ने नहीं करना चाहिए, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा कॉस्ट फैक्टर का एक इशू आता है। तो कॉस्ट फैक्टर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है कि आप इम्प्लांट क्या यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को बाकी बीमारियां हैं क्या, जैसे शुगर, हार्ट का बीमारी, उनको दवाइयां ज़्यादा लगने वाली है। तीसरा डिपेंड करता है कोई स्पेशल केस है क्या, जैसे कई बार पेशेंट्स के बोन या जॉइंट बचपन से डिफॉर्म रहते हैं जिसमें उनको स्पेशल इम्प्लांट यूज़ करना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में कॉस्ट बढ़ जाता है। इम्प्लांट या सर्जरी का कॉस्ट सिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। या सर्जरी गोंदिया में करा रहे हैं, नागपुर में करा रहे हैं, मुंबई में करा रहे हैं। जैसे यूनाइटेड हॉस्पिटल में हम ये सर्जरी रूटीनली करते हैं, ऑलमोस्ट डेली करते हैं और ऑल्टरनेट डे करते हैं। वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे पास एक टीम है जिसमें हार्ट के, शुगर के सभी डॉक्टर है, आईसीयू बैकअप है और वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर्स है। ये एक ऑपरेशन में रिस्क होता है इन्फेक्शन का, तो अगर आप एक ऐसे सेटअप में करा रहे चाहता हो ओटी स्टाफ सब ट्रेंड है, रेगुलरली होता है, तो आपके कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शन के रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं। तो गोंदिया जैसी जगह पे अगर आप एक हिप का सर्जरी करा रहे हैं, सिंगल हिप का, और इम्प्लांट जो इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं लेकिन मेटल का यूज़ कर रहे हैं, तो आपका अराउंड 1.5 लाख एक्सपेंसेस में हो जाता है। बट यही चीज़ आप सिरेमिक की यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस 2 लाख तक चले फॉर अ सिंगल हिप। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, अपन एक चीज़ एक अमाउंट पे आके वो नहीं हो सकते। तो जब भी आपको हिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने एक्सरे MRI कर चुके हैं, आपको एवियन है, आपको पता चल चुका है, आप 2-3 डॉक्टर को मिल चुके हैं कि आपको सर्जरी का ज़रूरत है, तो आपने कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए। एक, आप एक ऐसे सेटअप पे कराए चाहिए, सर्जरी रूटीनली होता है तो वो टीम एक्सपीरियंस है। दूसरा, आप कहीं भी सर्जरी करा रहे हैं, आपको जो इम्प्लांट यूज़ करना है वो एक इम्पोर्टेड इम्प्लांट होना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी का, जिसपे आप बिलीव कर सकते हैं कि ये 25-30 साल काम करेगा। और अगर आप यंग हैं तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप सिरेमिक इम्प्लांट यूज़ करें। एक जो आपके मन में डाउट्स है कि मैं कब चलूँगा, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, 99% ऑफ द पेशेंट्स दे डू वेल, एक महीने डेढ़ महीने बाद आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते उन पेशेंट्स को कि उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसी कोई भी तकलीफ के साथ हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, या आप कहीं और भी है तो आप एक डेडिकेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर पे कंसल्ट कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम से बहुत इजीली दूर हो सकते हैं। इसके लिए पैनिक करने का, बहुत सालों तक खींचने का, पेन किलर्स खाने का ज़रूरत नहीं। ओके, तो आपके कोई भी क्वेरीज रहेंगे तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चन हैं उसको आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।